بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العلي العظيم. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आदेश साथियों, इस वक्त कुरान पाक की एक मुख्तसर सी आयत आप हजरात के सामने तिलावत की है। इस आयत पाक के ताल्लुक से चंद अहम और ज़रूरी बातें अर्ज करने का इरादा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाइए, अल्लाह हम सबको कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त में जो एक आयत पाक आपके सामने तिलावत की है, इस आयत पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तिजारत का जिक्र फरमाया है। और कैसी तिजारत है? दुनिया के अंदर हम और अब तिजारत के अंदर मशगूल होते हैं, हर आदमी कारोबार करता है, तिजारत को कारोबार बोला जाता है। तो कारोबार करता है हर आदमी, और उसके कारोबार में दोनों चांस होते हैं, नफे का भी होता है और नुकसान का भी होता है। बाद मरतबा हम कारोबार करते हैं, बहुत नफा हासिल हो जाता है, और बाद मरतबा कारोबार करते हैं, नफा नहीं हासिल हो पाता, नुकसान हासिल हो जाता है। दोनों शक्लें कारोबार में होती हैं। और जब आदमी किसी कारोबार में पैसा लगाता है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करता है, अपनी मालियत और रकम लगाता है, तो वो ये चांस पहले ही जहन में रखता है कि पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं। चल जाना ये किस्मत है, ना चल जाना आदमी फिर ये समझ लेता है कि तकदीर में नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत पाक के अंदर फरमा रहे कि मैं तुम्हें एक तिजारत का पता दे रहा हूं। एक तिजारत है, अल्लाह ने फरमाया इस तिजारत को करो। कैसी तिजारत है? अल्लाह ने खुद कुरान पाक के अंदर फरमा दिया तिजारतन लन तबूर। अल्लाह फरमा रहे मैं तुम्हें ऐसी तिजारत का तरीका बता रहा हूं और ऐसी तिजारत करने का हुक्म दे रहा हूं जिस तिजारत में नुकसान का, घाटे का, लॉस का, पैसे डूब जाने का कोई चांस नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया लन तबूर, हरगिज तुम्हारा पैसा जाय नहीं हो सकता। यानी जो तुम उसमें मेहनत करोगे, उस तिजारत के अंदर जो कुछ भी लगाओगे, अल्लाह ने फरमाया वो जाय नहीं होगा तुम्हारा। लियुवफियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, फरमाया कि जितनी तिजारत करोगे उसका पूरा पूरा बदला तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि फरमाया कि मैं अपनी तरफ से बढ़ा करके और मजीद अता कर दूंगा, तुम्हारे टारगेट से भी ज्यादा अता करूंगा अगर ये वाली तिजारत करोगे। कौन सी तिजारत है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं लकड़ी का कारोबार बताएंगे या लोहे का कारोबार बताएंगे या कपड़े का बिजनेस बताएंगे, जिस तिजारत के अंदर नुकसान ना हो आखिर कौन सी तिजारत है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तीन तिजारतें हैं। फरमा रहे इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह नंबर एक, व अकामुस्सलाह नंबर दो, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया तीसरी। अल्लाह ने फरमाया कि तीन तिजारतें करो, तीन चीजों में अपना वक्त लगाओ, मेहनत करो, कभी नुकसान में नहीं रहोगे। पहली तिजारत बयान फरमाई यतलूना किताबल्लाह, अल्लाह ने जो अपनी किताब आसमान से नाजिल फरमाई है, इस किताब की कुरान पाक की तिलावत का मामूल बना लो। अगर कुरान पाक की तिलावत के अंदर अपना वक्त लगाओगे, अल्लाह ने फरमाया कभी जिंदगी के अंदर घाटे में नहीं रहोगे। यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत, और ये अल्लाह की किताब की तिलावत एक ऐसा
इस वक्त हमारी उम्मत के अंदर आपको नमाजी भी बड़े मिल जाएंगे, आपको रोजेदार भी बहुत मिल जाएंगे, आपको जकात देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, हज और उमरा करने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन किताबुल्लाह अल्लाह की किताब की तिलावत का मामूल इस वक्त में बिल्कुल खत्म सा होता जा रहा है। मामला खत्म है हमारे यहां पे कुरान पाक की तिलावत का। इस मामले के अंदर अवाम का मामला तो अवाम का है, तबके उलमा और सुलाहा जो इल्म की जानिब मंसूब है उन हजरात की भी कोताही है, अमली कोताही, वो हजरात भी तिलावत कुरान पाक का एहतमाम नहीं कर पाते। ये अमल ऐसा आज उम्मत के अंदर पैदा हुआ, ये हम सब की कमी है, हम सारे इसके अंदर शरीक हैं। तिलावत किताबुल्लाह हमसे और आपसे जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं पा रही, बल्कि अफसोस तो ये होता है कि हम में अक्सर अफराद का हाल ये है कि बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, थोड़ी बहुत करना तो बहुत दूर की बात, बिल्कुल नाम के लिए भी नहीं हो पा रही। अगर किसी से पूछो कुरान पाक पढ़ते हो तो वो क्या बताएगा, अगर बहुत बड़ा कोई अल्लाह वाला हुआ तो वो ये जवाब देगा कि जी हाँ सुबह को सूरह यासीन पढ़ता हूँ, मगरिब के बाद सूरह वाकिया पढ़ता हूँ। कोई बहुत ज्यादा अगर पढ़ने वाला है तो सूरह वाकिया और सूरह यासीन, अरे ये सूरह वाकिया और सूरह यासीन यकीनन किताबुल्लाह की तिलावत है, लेकिन पता है ना कि सूरह यासीन से दिन भर का कारोबार आसान हो जाएगा और सूरह वाकिया से रोजी रोटी बंदी रहेगी, इसलिए इन दो सूरतों को पकड़ लगा। और बाकी कुरान है अल्लाह पाक तबारक व तआला का, कुरान की 114 सूरतों में दो सूरतों को लेकर के 112 को गायब करना और उनकी तिलावत का मामूल न बनाना, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े एहतमाम के साथ में तवज्जो दिला रहे कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बता रहा हूं, ऐसा अमल बता रहा हूं, ऐसी चीज बता रहा हूं जिस चीज के अंदर अगर तुमने अपना वक्त लगाया तो कभी जाय नहीं होगे, कभी बर्बाद नहीं होगे, नुकसान के अंदर नहीं जाओगे। और उसमें सबसे पहली चीज बयान फरमाई तिलावत किताबुल्लाह, अल्लाह के कलाम की तिलावत कितनी करनी चाहिए, अल्लाह के कलाम की तिलावत ऊपर से शुरू करते आला दर्जा किया। हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन वहां से देखिए तिलावत किताबुल्लाह का एहतमाम कैसा होना चाहिए। हजरत सहाबा से किसी ने पूछा कि आप हजरत के कुरान पाक पढ़ने का मामूल क्या था, किसी ताबेई ने सहाबा से सवाल किया आप हजरत कुरान कैसे पढ़ते थे, सहाबा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाने लगे कि हमने कुरान पाक को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, 7 हिस्सों में कुरान की तकसीम कर रखी थी और हर दिन एक हिस्सा पढ़ते थे, 7वें दिन कुरान मुकम्मल हो जाता था। हजरत सहाबा इकराम का मामूल 7 दिन में कुरान पाक मुकम्मल करना। आपको बता दूं ये जो कुरान पाक के अंदर मंजिलें हैं हमारे यहां, जो मंजिलें हैं 7 मंजिलें, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाई है, अल्लाह के नबी की लगवाई हुई नहीं है, ये 7 मंजिलें हजरत सहाबा इकराम ने मुतय्यन फरमाई है अपनी तिलावत की आसानी के लिए, 7 जगह पे कुरान को तकसीम फरमाया। और ये जो हमारे यहाँ 30 पारे चले हैं ना, 30 पारे, ये तो बहुत बात की बात है, पैगंबर के जमाने में, सहाबा के जमाने में, ताबेईन के जमाने में, तबे ताबेईन के जमाने में इन 30 पारों का कोई वजूद नहीं था। ये 30 पारे नहीं है कुरान पाक के, 7 मंजिलों के हिसाब से कुरान पढ़ा जाता था। उसके बाद जब लोगों की हालत गड़बड़ होती गई और एक मंजिल का भी मामूल रहना मुश्किल हो गया तो फिर ये 30 पारों की तकसीम की गई कि कम से कम पारों के हिसाब से रोजाना 2-4-5 पारे आदमी तिलावत कर ले। पूरी मंजिल नहीं हो सकती, 7 दिन में खत्म नहीं हो सकता, तो कम से कम 3-3 पारे रोजाना पढ़ ले, कुछ तो वहां पे औसत आएगा, 7 के बजाय 10 दिन के अंदर कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। आसानी के लिए यहां पे 30 जगह तकसीम कर दिया गया। उसके बाद और जमाना गिरा और पीछे आया है जमाना, तिलावत कुरान पाक इस उम्मत से छूटती जा रही थी। उसके बाद उलमाए किराम ने कुरान पाक के अंदर रुकू लगाए हैं, अब एक पारे को भी 20 जगह तकसीम कर दिया।
पारे को भी तकसीम कर दिया गया 20 जगह। पहले तो 7 मंजिलें थी और 7 मंजिलों से भी पहले अगर आप देखें तो नमूने मिलते हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के बारे में नकल किया गया, ईशा के बाद नमाज की नियत बांधते थे 2 रकत नमाज की, और जब दूसरी रकत का सलाम फेरते थे तो सेहरी का वक्त खत्म होने वाला होता था और पूरे कुरान की तिलावत फरमा लेते थे 2 रकत के अंदर। 2 रकत के अंदर तिलावत कुरान, 1 रात के अंदर खत्म कुरान, वहां से 7 दिन पर आया, वहां से 30 दिन के ऊपर आया, और उसके बाद 30 दिन के ऊपर आने के बाद फिर और मेयार गिरा, अब वहां हर पारी के अंदर 20-20 रुकू हो गए। अब क्या कहा गया भाई, अल्लाह के वास्ते अगर तुमसे नहीं पढ़ा जाता तो कम से कम 4-5 रुकू ही पढ़ लिया करो। आज के जमाने में बुजुर्गाने दिन ये कहते हैं, वो तो जमाना गया जब आदमी मंजिलें पढ़ता था, कई कई पारे तिलावत करता था। अब आज के दौर में रुकू का मामला आ गया। हमारे हजरत शेख यूनुस साहब नवरल्लाहु मरकज़हु अवाम को बार बार ताकीद फरमाते थे कि चाहे 1 रुकू का मामूल बना लो लेकिन पाबंदी के साथ में बना लो, ना बनाओ 1 रुकू की तिलावत। आप यकीन जाने 1 रुकू की भी अगर आप तिलावत रोजाना एहतमाम के साथ में करेंगे तो 20 दिन के अंदर तो कुरान खत्म ही हो जाएगा। एक पारा 20 दिन में तो खत्म होगा। इस तरह करके अल्लाह ने चाहा साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जाकर 1 कुरान पाक तो मुकम्मल होगा। हालांकि आज हमारा हाल ये हो गया कि हम और आप सोचते हैं कि 1 रुकू कौन तिलावत करे, जब करेंगे इकट्ठा 4-5 पारी तिलावत कर लेंगे तो 4-5 पारों के चक्कर में 5-5 साल गुजर जाते हैं आजकल हमारे यहां बहुत सारे अफराद के, और ये कुरान भी नहीं खत्म होता, 5-5 साल गुजर जा रहे हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं कि उनसे पूछा निकाह के वक्त में, जब निकाह पढ़ाने के लिए मेरे सामने बैठे और जब मैं उनका निकाह पढ़ा रहा, मैंने पूछा कि भाई निकाह तो पढ़ाने जा रहे हो और निकाह का वक्त भी हो गया, दुल्हन को लेने के लिए तैयार हो, तो आगे नई मशगूलियां शुरू हो जाएंगी। अब तक जिंदगी में ये कुरान खत्म किया है यानी बालिग होने के बाद से, तो क्या जवाब देते कि पढ़ने के वक्त में बस पढ़ करके खत्म जो किया था वो खत्म हुआ था, उसके बाद बालिग होने से लेकर के आज तक 1 कुरान भी खत्म करने की तौफीक नहीं हुई, और दूल्हा वाला बैठा है 50,000 के सूट में। गैरत आनी चाहिए हमें और आपको, हम सोचें, अपनी जमीर का जायजा लें कि हम और आप किताबुल्लाह के साथ में कैसा मामला कर रहे हैं, कैसा मामला हो गया हमारा। हम बहुत बड़े आलिम, मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा, मुहद्दिस बने घूमे, कुछ भी बने घूमे, लेकिन अगर तिलावत कलामुल्लाह, अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत का मामूल नहीं है तो नूरानियत और कमाल दिल के अंदर कभी पैदा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं आएगा। ये कनेक्शन जोड़ता है किताबुल्लाह, अल्लाह के कलाम की तिलावत, ये हमें अल्लाह से जोड़ने का जरिया बनती है। तो ये आखिरी दर्जा आया था कि कम से कम 1 रुकू की तिलावत का मामूल होना चाहिए। अब आप जरा इरादा फरमा लें सारे के सारे के कल से इंशाल्लाह कम से कम 1 रुकू की तिलावत जरूर करेंगे। अरे कहे तो दो मुसलमान इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह भी इतना सुस्त निकलता है जैसे एक ही बोटी मिली हो बकरीद पे। अल्लाह ने कई कई किलो गोश्त खिलाया है, पाए दबा के खाए, मांग भेजा, ये वो दुनिया भर की चीजें कुछ नहीं छोड़ी हमने, और इंशाल्लाह कहने में और 1 रुकू के अंदर हमारा मसला खराब होता है। तो करेंगे ना सब हज़रात इंशाल्लाह, कल सुबह से मामूल बना लें, ज्यादा नहीं मैं कह रहा आपसे, बहुत ज्यादा तिलावत, सिर्फ कितनी तिलावत, 1 रुकू की, 1 रुकू की तिलावत, लेकिन ऐसा पकड़े 1 रुकू के कल से शुरू हो और आखिरी दिन जो हमारी जिंदगी का है ना बना हो फिर इंशाल्लाह, इस अंदाज में पकड़ ले। अल्लाह ने चाहा एक एक कतरा जो होता है ना वो दरिया बना दिया करता है, ये 1-1 रुकू इंशाल्लाह ना मैं आमाल में बड़ी तरक्की का जरिया बन जाए। और यहां तो अल्लाह पुनः फरमा रहे यतलूना किताब अल्लाह, जो हजरात अल्लाह की किताब की तिलावत करेंगे वो अल्लाह से ऐसी सौदेबाजी कर रहे हैं, ऐसी तिजारत और कारोबार अल्लाह के साथ में कर रहे हैं जिस कारोबार में उनको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। तिलावत किताब अल्लाह हो और
नुकसान हो जाए आदमी का ऐसा मुमकिन नहीं। तो यतलूना किताब अल्लाह, पहली तिजारत आपके सामने अर्ज कर दी। हजरते सहाबाए किराम का अगर आप देखेंगे, मुझे असल यही अर्ज करना था आपके सामने, क्योंकि मैं खुद और आप तमाम के तमाम नजर, हम सारे के सारे इसमें कोताही में मुब्तला। किसी न किसी तरह अगर अल्लाह करे हमारा तिलावत कुरान पाक का मामूल बन जाए और हम और आप अल्लाह के कलाम को रोजाना एहतमाम के साथ में पढ़ने वाले बन जाए, तो फिर देखिए कि दिलों के अंदर कैसी नूरानियत और लुत्फ महसूस होगा। अभी हमें मजा ही नहीं मिला उसका। हमारे यहाँ एक मसल मशहूर है ना अवाम के अंदर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसने खाया ही नहीं अदरक, वो जानता ही नहीं अदरक का टेस्ट किया है। तो मैं और आप उसी कंडीशन में, हमें नहीं पता कि कितला किताब तिलावत किताबुल्लाह जब आदमी एहतमाम के साथ में करेगा तो क्या नूरानियत हासिल होगी, वो टेस्ट, वो जायका, वो मजा, वो हलावत, वो मिठास अभी हमें और आपको हासिल नहीं। इसलिए हम और आप गलती में मुब्तला है, लापरवाही कर रहे हैं। जब आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कुरान पाक लेकर के आते थे, आसमान से ये कुरान नाजिल होता था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये कुरान सुनते थे। आप एहतमाम देखे पैगंबर का कि कुरान का एहतमाम कैसे फरमाया पैगंबर ने। उधर हजरत जिब्राइल आए लाए और आकर के हुजूर को सुना रहे, अल्लाह के नबी फौरन हजरत जिब्राइल के साथ दोहराना शुरू कर देते थे, जल्दी जल्दी पढ़ते थे। क्यों जल्दी पढ़ रहे? ताकि ये कुरान मुझे याद हो जाए, मैं साथ साथ में हाफिज बन जाऊं और कोई आयत, कोई लफ्ज, कोई हरकत इसकी मेरे काबू से बाहर न रह जाए, अभी याद करूं। इतना एहतमाम फरमाते थे कि अल्लाह को आसमान से आयत उतारनी पड़ी, ला तो हर रही पैगंबर आप अपनी जबान को मत हिलाइए, लिता जलबी आप चाहते हैं कि मैं कुरान को जल्दी जल्दी याद कर लूं, आप परेशान मत होइए, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, पैगंबर हम इसको उतार रहे हैं, हम ही आपके सीने में इसको महफूज भी कर देंगे, आप परेशान ना हो। वहां से आते थे अल्लाह के नबी और फौरन आने के बाद सबसे पहला काम इधर वही उतरी आसमान से। अब ये नहीं कि जाकर के थोड़ी देर बेड रेस्ट करें, आराम करें, कि अभी तो वही उतरी है, बड़ा बोझ हो रहा है बदन पे, थकान हो रही है, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, ये सब नहीं था। उधर वही उतरी और उधर सहाबा की मजलिस में आ गए और आने के बाद फौरन सहाबा को याद करा दिया करते थे कि अभी अभी ये कुरान आया है, इसको याद कर लो। चुनाचे उलमा ने तारीख के अंदर तहरीर फरमाया कि इधर कुरान पाक उतरना शुरू हुआ और जिस दिन कुरान पाक की आखिरी आयत उतरी है तो कई सारे सहाबा कुरान के उतरने के साथ साथ हाफिज कुरान हो चुके थे। जिस दिन आखिरी आयत आसमान से आ रही है वो सहाबा हाफिज कुरान हो चुके थे, अल्लाह ने पूरा कुरान सीनों के अंदर महफूज फरमा दिया था। उन मुकद्दस सहाबाए किराम में चार सहाबा खुलफाए राशिदीन भी शामिल हैं, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। जिस दिन कुरान पाक मुकम्मल हुआ उस दिन ये चारों हाफिज कुरान बन चुके थे। एहतमाम देखे उम्मत पर, हमारी तरह नहीं, अजी बाद में पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ले देकर के हमने सूरतें याद कर रखी, कितनी सूरतें याद है, अलम तारा से लेकर के सूरह नास तक, बस बड़े फख्र के साथ में कहते फिरते कि हाँ बहुत सारा याद है और हमारी नमाज टॉप की हो रही है। कैसे टॉप की हो रही है? कम से कम मैं अपने साथियों को कहा करता हूं, अवाम को समझाता हूं कि एक पारा तो जबानी याद कर लेना चाहिए, तीसवा पारा कम से कम आदमी जबानी याद कर ले ताकि नमाजों के अंदर वो सुन्नत के मुताबिक कुरान की तिलावत कर सके। एक पारा तो याद होना चाहिए कम से कम। कितना आसान है एक पारे का याद करना, कोई भी मुश्किल नहीं अगर आदमी करना चाहे तो। इसका एहतमाम खास तौर से फरमाए, बेतवज्जो ही ना हो इसकी तरफ। ये तिलावत कलामुल्लाह बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अपनी जात में रखती है और ये वो एजाज है जो अल्लाह ने सिर्फ आपको अता फरमाया। फरिश्ते भी अगर अल्लाह के कलाम की तिलावत करना चाहें तो तिलावत नहीं कर सकते।
हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस वक्त नमाजी नमाज पढ़ता है और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम ये मुबारक अल्फाज अपनी जबान से निकालता है तो फरिश्ते उसके करीब आकर के उसके होंठ से अपने होंठ मिला देते हैं कुरान पाक सुनने की खातिर, मोहब्बत देखे कुरान पाक की। वो खुद पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकते, नमाजियों को ढूंढते हैं कि कोई नमाजी मिले और हम उसके होंठ से होंठ मिला करके खड़े हो जाएं और उससे कलाम पाक को सुन करके मजा हासिल कर लें। यह अमल है फरिश्तों का, मलाइका का। तो सबसे पहले तिजारत फरमाई तिलावत किताबुल्लाह, अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत नंबर दो। दूसरी चीज आगे बढ़ जाऊं वरना आप कहेंगे तीन बताइए, पहले में ही अभी तक अटके हुए आगे कब जाएंगे। वैसे ही आप हाथ बड़ी मुश्किल से लगते हैं, फिर पता नहीं अगली बार कितने भी मिले या ना मिले। नंबर दो, दूसरी चीज आगे अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इकामत सलात व अकामु सलात, फरमाया कि दूसरा काम ये करो जिसमें कभी तुम्हें नुकसान नहीं होगा, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि नमाज जब मौका मिला जब पढ़ ली, जब मौका मिला कायम कर ली और जब दिल करा जब पढ़ ली, वक्त निकाल के पढ़ ली, वक्त बेवक्त पढ़ ली, ये मतलब नहीं। इकामत सलात का मतलब ये है, मैं कई मरतबा यहाँ पे अर्ज कर चुका, नमाज को कायम करना ये है कि उसके तमाम फराइज वाजिबात सुन्नत मुस्तहबात के साथ में उस नमाज को मुकम्मल अदा करना, इकामत सलात। कारोबार के अंदर आप लगे हुए, कारोबार के अंदर आप मशगूल है, अजान होती है, अजान होने के बाद में अपने कारोबार को रोक करके मस्जिद के अंदर वुजू करके आ जाना, ये कहलाता है इकामत सलात। और अगर आप ये सोचते एक ग्राहक आ गए इसे भी निपटा दूं, अब लाओ ये आ गए इसे भी निपटा दूं, वरना तो मैं नुकसान में रह जाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया नुकसान में अब नहीं बल्कि अगर तुम तिजारत में लगे रहोगे तो नुकसान में रहोगे, अगर नमाज के लिए आ जाते तो ये रब के साथ में तिजारत होती और इस तिजारत में नुकसान के कोई चांस नहीं था। अब नुकसान है, तिजारत में लगने से नुकसान है। फरमाया व अकामु सला, नमाज को कायम करना, नमाज के अंदर वक्त लगाना, ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आती है और इस तिजारत के अंदर अगर आदमी मशगूल होगा तो कभी भी नुकसान नहीं उठा सकता। नंबर तीन, तीसरी चीज बयान फरमाई व अनफकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, तीसरी चीज नंबर तीन फरमाया तीसरी तिजारत ये है जो तुम्हें करनी चाहिए और जिसमें कभी नुकसान नहीं उठाओगे। वह अनफकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, अल्लाह फरमा रहे जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जो कुछ भी अल्लाह ने आता फरमाया, खाली माल नहीं, हमारे यहाँ ये गलत तसव्वुर है, हमारे यहाँ ये समझा जाता है माल के खर्च करना खर्च कहलाता है, खाली माल का खर्च करना नहीं है। अल्लाह ने जितनी सलाहियतें आपको अता फरमाई है वो दूसरों के फायदे के ऊपर आप खर्च करें, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कहलाता है। अल्लाह ने आपको दिमाग अता फरमाया है, माइंड अता फरमाया है, आपसे कोई मशवरा लेने के लिए आए आप अपने जहन से सोच करके अच्छे से अच्छा उसको मशवरा दे दें, ये अल्लाह के रास्ते में दिमाग का खर्च करना कहलाएगा, ये सवाब का काम बनेगा हमारे लिए। कोई नाबीना जा रहा है आपने देखा, आपको अल्लाह ने आंखें अता कर रखी है, आपने उसका हाथ पकड़ करके उसको मंजिल मकसूद के ऊपर पहुंचा दिया, ये अल्लाह के रास्ते में आंखों का खर्च करना कहलाएगा, इसके ऊपर वो दर्जा हासिल होगा जो अल्लाह जिक्र फरमा रहे। खाली नोट निकालना ये खर्च करना खाली ये नहीं है, हालांकि ये बहुत बड़ा खर्च करना तो असल तो यही है, लेकिन इसके अलावा ये सारी चीजें भी खर्च करने के अंदर आ, अल्लाह ने जो कुछ भी अता फरमाया वो दूसरों पे खर्च की थी। अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमा रखी है, ताकत अता फरमा रखी है, कोई कमजोर जा रहा है आप देखिए रोड पर बाद मरतबा कहीं चढ़ाई होती है, एक रिक्शा वाला है बूढ़ा है और वो बहुत सारा सामान रिक्शा के ऊपर लादे हुए है, उसने पट्टा भी गर्दन के अंदर डाल रखा है, पूरी ताकत लगा के खींच रहा है,
बेचारे की हड्डियां बाहर आ रही होती है, लेकिन हमारे बाल नौजवान उसके पास से ऐसे निकल जाते हैं कि उन्हें नजर ही नहीं आ रहा, वो है कि अंधे हो गए। क्या फर्क पड़ेगा अगर हम जरा सा धक्का लगा दें, अगर हम जरा सा हाथ लगा दें तो हमारी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी? ये वअनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो माल दिया है वो मेरे रास्ते में खर्च करना, अल्लाह ने फरमाया जो कुछ मैंने तुम्हें दिया वो सब मेरे रास्ते में खर्च करना, ये पावर ये ताकत सब मेरे रास्ते के अंदर लगा। अब हमारे यहाँ जिम जाने का तो बड़ा शौक है और वहां पे जाकर के वो उठा रहे जिन्हें क्या क्या लोहे पत्थर, और रात के 12-12 बजे तक वहां से पूरा पाठ करके आ रहे हैं, और आने के बाद में सुबह में फजर की नमाज में देखो कि जनाब पहलवान साहब बड़े सर्राटे मार रहे हैं शहर शहर। ये पहलवान है, इसको तो चूहा कहा जाए तो वो भी इसके लिए ज्यादा बड़ा मकाम होगा, जो आदमी रातों को जा जा करके इसमें सेहते बना रहा है और सुबह को जाकर के नमाज छोड़ रहा है, ये पहलवान कहला रहे हैं। अल्लाह के रास्ते के अंदर बहादुरी दिखाओ, वाकई में जब पहलवान कहलाओगे, खाली ये बॉडी बनाना और सेहत बनाना और फिर इस चक्कर में लगे घूमना कि लोग किस तरह हमारी बॉडी देखें। जिम जाने वाले टी शर्ट पहनते हैं यहां यहां तक की, ताकि ये मसल्स जो बन रही है ना, जो कट्स लग रहे हैं, जरा नजर आए, जाहिर दिखे लोगों को रोड के ऊपर, और दिल तो उनका करता ये बनियान भी उठा के फेंक दे नंगे नंगे मुंह में, ताकि बढ़िया करके सारी कौम देखे हमारा कि जिम जाकर वहां पे जाकर के लोहे उठा रहे, आ आ करके 10-10 अंडे खा रहे और बाहर बाहर का खा रहे, अंदर का फेंक रहे कि इससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है 10 अंडे खा लिए और फजर गायब कर दी। ये किस कंपनी का पहलवान तैयार हो रहा है? ये कहां जाने वाला है? ये पहलवान नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा इकराम को खिताब फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से पूछा कि तुम पहलवान किसको समझते हो, कौन है तुम्हारी निगाहों में पहलवान? देखे सहाबा इकराम का जवाब, हजरत सहाबा इकराम ने फरमाया, हजरत जो उठा करके दूसरे को पटक दे हम उसे पहलवान कहते। यही तो है ना हमारे, जो आदमी पहलवान बन जाता है और जरा बॉडी और सेहत बन जाती है, जब वो रोड पे चलता है ना तो दबता नहीं है किसी से, वो कहता है अगर तू एक बोलेगा तो डबल जवाब दूंगा, अगर तू ईंट मारेगा तो मैं पत्थर, तो पत्थर बहुत पुरानी चीज हो गई, अगर तुम ईंट मारोगे तो मैं तुम्हारे गोली मारूंगा, अब तुम टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वो फख्र के साथ में चल रहा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा किसको पहलवान समझ रहे हो, फरमाया जो उठा करके पटक दे। हुजूर ने फरमाया ये आदमी पहलवान है, ये पहलवान नहीं कहलाएगा, उठा करके पटकने वाला पहलवान नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब गुस्सा आए अपने गुस्से का घूंट पी जाए और अपने गुस्से के ऊपर अमल ना करे, वो हकीकत के अंदर पहलवान है। अब आप देखें अल्लाह के नबी पहलवान का लकब किसको अता फरमा रहे और हमारे यहां पहलवान किसको कहा जा रहा है? मैं तो हरगिज नहीं कहता ऐसे लोगों को पहलवान, मैं नहीं कहता, सबसे बड़े पहलवान वो है जो 5 वक्ता नमाज जमात के साथ में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े पहलवान वो लोग हैं जो रोड के ऊपर चलते हुए लड़की के बदन के ऊपर अगर नजर पड़े अपने नजर को अल्लाह के डर से नीचे करना है, असली पहलवान तो वो है, इन्हें इज्जत मिलना चाहिए पहलवानी का, ये है मर्द मुजाहिद, अल्लाह के बहादुर शेर है ये, इन्हें इज्जत मिलना चाहिए। असल खिताब के हकदार ये हजरात है, तो मैं अर्ज ये कर रहा युन्फिकून, अल्लाह ने फरमाया जो कुछ मैंने तुम्हें दिया वो सब अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, सारी चीज अल्लाह के रास्ते में। तो ताकत है, सेहत है, ये सारी चीजें हमारे लिए कामयाबी का जरिया है। मैं ये नहीं कहता कि सेहत पे मेहनत ना करो, सेहत बनाओ लेकिन उसका इस्तेमाल अल्लाह के दीन के ऊपर करो, अल्लाह के दीन के अंदर लगाओ, तो फिर ये हमारे लिए तरक्की का जरिया है। जो कुछ भी आता फरमाए फिर उसी के अंदर माल भी आ जाता है, अल्लाह ने माल दिया है आपको, पैसे आता फरमाए आपको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। जब मस्जिद के अंदर सामने से गोलक आती है उस वक्त में जब डालना पड़ता है उसके अंदर, अव्वलन तो
सोचते हैं कि जल्दी से सामने वाले इतना तेज धक्का मारे कि मुझे पार करके अगले स्टॉप पे रुके, तो मैं कह दूंगा कि रुकी नहीं ट्रेन, तो मैं कहां से इसके अंदर चंदा डालूंगा, सीधा मामला। और अगर अल्लाह ना करे वो रुक गई हमारे सामने, तो पहली जेब में ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का नोट रेडी रहता है, क्योंकि वहां किसी को दिख नहीं रहा, खामोशी से जाना है, इसलिए 10 रुपए। अल्लाह ने फरमाया وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا, अल्लाह ने फरमाया छुप करके जो खर्च किया जाएगा वो अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आती है। और अगर कहीं सामने देने का नंबर आ जाए, कोई आदमी आप 20 लोगों के बीच में बैठे हो, मस्जिद से कोई आ जाए कि रसीद कटवानी है, अब तो इज्जत का सवाल है, 10 रुपए की रसीद कटाएंगे नाक कटेगी, अब तो मजबूरी में 500 का नोट निकाल के दिया जा रहा है ताकि मेरी हैसियत 10 लोगों की निगाह में ऊंची हो जाए कि मस्जिद को 500 रुपए देता है। फरमाया ये अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा, सिर्रा अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब सदका और खैरात वो है जो खामोशी के साथ में छुपा करके किया जाए, ये धमाकों के साथ में और दिखला दिखला करके अदा अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। सिर्रा आगे खुल्लम खुल्ला का भी तस्किरा फरमाया, लेकिन असल जो अदा अल्लाह को पसंद है वो सिर की छुपा करके सदका अल्लाह के रास्ते में करना, दिखावा ना करे अल्लाह के रास्ते में। एक नवाब साहब के बारे में मैंने पढ़ा कि वो सदरी पहनते थे, नवाबों का मिजाज था लखनऊ के नवाब मशहूर है सारे हिंदुस्तान में, सदरी पहनते थे और एक जेब के अंदर मूंगफली भर के रखते थे और एक जेब के अंदर बादाम, सारा दिन मूंगफली निकाल निकाल के खाते रहते थे, मुंह चलता ही रहता बकरी की तरह से, पूरे दिन मूंगफली खाते और कोई आता उनके पास कहता नवाब साहब अकेले अकेले खा रहे हो, हमें भी तो कुछ खिला दिया करो, तो 2 बादाम निकाल कर उसके हाथ में रख दिया करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि नवाब साहब आप खुद तो मूंगफली खाते हैं दूसरों को बादाम खिलाते हैं, वजह क्या है? कहने लगे कि दूसरों को बादाम इसलिए देता हूं ताकि ये समझे कि ये आदमी कितना बड़ा अमीर है कि सारा दिन बादाम खाता रहता है, सारा दिन ये बादाम खाता है, खाली ये तसव्वुर बिठाने के लिए खुद बेचारा मूंगफली खा रहा है और सामने वालों को बादाम खिला रहा है। अभी से अल्लाह के अज़ाब में आ गया, अल्लाह ने कहा तू हकदार नहीं है बादाम खाने का, मूंगफली भी गुजारा कर सकते, दूसरों को बादाम खिला रहा है काय के लिए, शेखी भगाने के लिए, क्या शेखी हो रही है उसकी, क्या बड़ी बात हो गई। तो हमारे यहां यह हाल हो चुका है सारी चीजों के अंदर, दिखावा। फरमाया कि जो कुछ अल्लाह का फरमा रहे वो खर्च करना अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह को बड़ी अदाई पसंद आती है। फरमाया आखिर के अंदर तिजारतल तबूर, अल्लाह फरमाती है 3 तिजारतें ऐसी हैं, किताबुल्लाह की तिलावत करना, नमाज को कायम करना और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ऐसी तिजारत है लन तबूर कि कभी भी तुम इसको करके नुकसान नहीं उठाओगे। और आगे फरमाया लियुवफियहुम उजूरहुम, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी इन 3 तिजारतों का पूरा पूरा बदला कयामत के दिन अदा कर दूंगा, वयज़ीदहुम मिन फज़ली, और इन तिजारतों के बदले के ऊपर और बढ़ा करके भी अदा कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ये 3 तिजारतें करने का इरादा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नंबर 1 कौन सी तिजारत करनी है सब बता दीजिए, ये नंबर 1 क्या करेंगे, तिलावत करना, कुरान पाक की तिलावत, अखबार की तिलावत नहीं, दैनिक जागरण की तो बहुत तिलावत कर ली हमने आज तक, सारी जिंदगी अमर उजाला और दैनिक जागरण में गुजार दिया, कल से किताबुल्लाह की तिलावत इंशाल्लाह होगी ना, कम से कम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, कितनी तिलावत, 1 रुको। अरे बता दीजिए सब लोग कितनी तिलावत, 1 रुको इंशाल्लाह। और ये कब तक जारी रहेगी, 1 साल तक या 2 साल तक, कब तक का इरादा है इंशाल्लाह, मरने तक, मरते दम तक, जिस दिन दुनिया से रुख्सत होंगे इंशाल्लाह अपना वुजू पढ़ के जाएंगे। नंबर 2 दूसरी चीज बयान फरमाई, क्या करना है दूसरा काम, नमाज को कायम करना, टाल मटोल बहानेबाजी नहीं, एहतमाम करके वक्त के ऊपर किसी भी तरह नमाज को सही तौर पर अदा करना। नंबर 3 तीसरी चीज बयान फरमाई कि क्या करना है अल्लाह के रास्ते में, खर्च करना है।
जो कुछ भी अल्लाह ने दिया सब अल्लाह के रास्ते में लगाना है। ये ऐसी तिजारत है जिसमें कभी कोई घाटा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी इन तीनों तिजारतों के कसरत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा में तिलावत कलामुल्लाह को आम फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाज के कायम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने रास्ते में इखलास के साथ में खर्च करने वाला बनाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आपके खिलाफ मुहिम से चल रही है, आप उमरा के लिए गए थे ना, तो आपने कुछ बयान दिया होगा नमाज के बारे में वहाँ के बारे में, तो मुहिम चल रही है आपके खिलाफ ताकि लोग बदजंग हो जाएं आपसे, क्या वो अपने वहाँ फरमाया वो कुछ किस तरह उमरा के जी नमाज नहीं होती वहाँ पे इस तरह की? असल ये था कि हरम शरीफ के अंदर एक मामला रमजानुल मुबारक के अखीर अशरे में, रमजान का जो अखीर अशरा होता है जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और हरम शरीफ में रश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर बात पर दबा क्या हुआ कि इमाम हरम जो हरम शरीफ के इमाम होते हैं उनको अंदर से लेकर के हर बैतुल्लाह तक आना उनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। सिक्योरिटी वालों के लिए, हिफाजती इंतज़ाम वालों के लिए बड़ा भारी मामला होता है कि इमाम हरम को पूरी मस्जिद हराम पार करा के और फिर सहन के अंदर वहाँ तक लेकर के आए। तो उन लोगों ने क्या किया, कभी कभी इमाम हरम को ये फ़र्क करते थे कि बजाय बाहर खड़ा करने के इमाम हरम को अंदर ही खड़ा करके नमाज़ पढ़वा दी जाती थी। जैसे अंदर का हिस्सा है जहाँ पर मेहराब बनी हुई है, जहाँ से हरम शरीफ में तरावी वगैरह पढ़ाई जाती है, वो अंदर का हिस्सा है। जो बाहर तवाफ़ का हिस्सा है वहाँ पे तरावी नहीं होती, तवाफ़ के हिस्से में तवाफ़ चलता रहता है, तरावी के लिए इमाम हरम बिल्डिंग के अंदर खड़े होते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग वाली इमारत में सब लोग तरावी वगैरह अदा करते हैं, सारी रात तवाफ़ चलता रहता है। तो बाद मरतबा यही अमल वो फ़र्ज़ नमाज में भी कर लेते थे जब इमाम साहब को वहाँ तक लेकर के आना दुश्वार होता था। अब जब इमाम साहब वहाँ नहीं आए और लोग सारे के सारे पहुँचे हुए हैं वहाँ मताफ में, वहाँ सब बंदी हो गई, तो मैंने लोगों को ये मसला समझाया कि जब इमाम साहब वहाँ खड़े हुए पीछे इमारत के अंदर, तो जो हजरात इमाम और काबे के बीच में खड़े हुए हैं जाहिर सी बात है उन लोगों की नमाज अदा नहीं होगी क्योंकि वो इमाम से आगे हो जाएंगे। इमाम की साइड में इमाम से आगे होने वाला उस आदमी की नमाज सही तौर पर अदा नहीं होगी। ये मसला है, आप सब जानते हैं। बाकी बैतुल्लाह के तीन साइडों के अंदर अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए बैतुल्लाह से लग करके और इमाम साहब दूसरी साइड में हो और पीछे खड़े हो तो कोई हर्ज की बात नहीं क्योंकि साइड बदल गई। इमाम की साइड में इमाम से लेकर के काबे के बीच में अगर कोई आदमी खड़ा होगा जाहिर सी बात है इमाम के इमाम से आगे होने की वजह से नमाज नहीं होगी। तो ये है असल मसले की मौजूद, ये मसला मैंने लोगों को बताया। बाद मरतबा गलत फहमी होती है, लोगों को समझ में नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं। तो असल नौयत यह है कि इमाम और काबे के बीच की जो जगह है, और ये हमेशा नहीं, मैंने ये बताया लोगों को कि देख लिया करो कि इमाम कहाँ है। अगर इमाम अंदर है तो फिर जिस तरफ इमाम है उस तरफ काबे के सामने ना खड़े हुआ करो, उसके अलावा कहीं भी खड़े हो जाए। और अगर इमाम खाने काबा पर आकर के नमाज पढ़ा रहा है तब तो आप चाहे कहीं भी खड़े हो जाए, कोई मसला ही नहीं बनता, कोई हर्ज की बात नहीं है, हर जगह खड़े होकर के नमाज अदा हो जाएगी। तो ये है मसला, इसका आप लोग भी ध्यान रखें जब कभी वहां पर जाना हो। कभी कभार बहुत सख्त भीड़ की वजह से, क्योंकि हालत ऐसी होती थी जब ये मामला पेश आया कि हरम शरीफ में नमाज अदा करने के लिए जुमा की नमाज, रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था, उसमें रमजान में जुमे की नमाज अदा करने के लिए फजर के बाद हम लोग दो घंटे के बाद जाते हैं तो हरम शरीफ में दाखिला बंद हो चुका था, एंट्री बंद। इस कदर सख्त माहौल होता है, हद से ज्यादा रश होने लगा है रमजानुल मुबारक में, वहां के जो हालात हो गए हैं इस कदर पब्लिक दुनिया भर से रमजान के अंदर पहुंचने लगी है कि नजारा हज का होता है। बाद लोगों ने अंदाजा बताया कि हज से भी ज्यादा पब्लिक होने को तैयार रही है इस मौके पर, तो उसमें अइम्मा को वहां तक लाना उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, कभी अगर इमाम अंदर नमाज पढ़ा रहे तो हम लोग फिर उस साइड में इमाम के आगे ना खड़े हो, बाकी कहीं भी हरम शरीफ में खड़े हो जाए तो नमाज अदा हो जाएगी। ये है असल मसला।
अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको अमल की तौफीक दे। एक बार आप बता दीजिए, जो कुर्बानी वाले दिन ईद उल अज़हा के दिन लोग बाल कटवा रहे हैं, तो इसका क्या मसला है, ये क्या है इसमें? हाँ, इसका भी मसला समझ लीजिए। इसमें भी मैंने बताया था, इसमें भी पता लगा कि लोग कुछ से कुछ समझे फिर रहे हैं। असल मामला ये है, कुर्बानी वाले दिन बाद लोग सर मुंडाते हैं और ये कह करके कि हमें हज का सवाब मिल जाएगा, ये तसव्वुर करके सर मुंडाना ये खिलाफ शरीयत है, शरीयत से साबित नहीं है। और ये सवाब समझ के अगर हम सर मुंडाएंगे तो बिदात हो जाएगा, बिदात हो जाएगी, बिदात है, क्योंकि दीन में नई बात जारी करना है जो दीन में कहीं साबित नहीं है। बाकी कोई आदमी नॉर्मली तरीके पर अपना सर मुंडाए, उसके जहन में यह फजीलत ना हो, वो कहे कि बस मैं वैसे ही मुंडा रहा हूं, दिल कर रहा था मेरा सर मुंडा दिया, तो कोई हरज की बात नहीं, वो मुंडा सकता है। ये फजीलत सोच के मुंडाना कि ये सवाब हासिल हो जाएगा हमें हज का अगर आज हमने सर मुंडा दिया, तो ये गलत अमल है, ये हमारे लिए गंजा हो गंजा। हाँ, मुंडाने को सोचते कटारा ही मुंडाना है। अच्छा, मुंडाने का मतलब गंजा होना, तो गंजा होना जो है हमारे यहाँ पर, तो वो गंजा होना यानी सर के ऊपर उस सूरा चलाना, ये चीज खिलाफ शरीयत होगी अगर उस सवाब की नियत से किया जाएगा। बाकी आप नॉर्मली तरीके पर कर लें तो कोई हरज की बात नहीं है, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं होगा। समझ गए हैं आप? तो ये है असल नौयत इस मसले की और हुक्म इसका। तो बस आदमी अपने मामूल के मुताबिक मुंडा ले तो कोई हरज नहीं है, साफ करा ले तो कोई हरज नहीं, बाकी तो ये सवाब समझ के ना करें। हमारे एक साथी कहने लगे कि अब तो टकला वो हज बहुत सस्ता हो गया, 10 रुपये में हज हो रहा है, 10 रुपये में हज हो रहा है, यानी 10 रुपये में जाकर के टकला करा लो हज का सवाब मिल गया, तो 10 रुपये में हज हो गया। तो हज इतना सस्ता नहीं हुआ अभी, उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह हम सबको उस अमल की भी तौफीक अता करे। है इसी तरह का एक ग्रुप चल रहा है आम मुफ्ती हजरात के लिए, वो गलत गलत बयानी यही करवा रहे हैं। वो एक जो मैंने दो मसले बताए आपका वहाँ का, और एक सर मुंडाने वाला, तो एक ग्रुप बना दिया है और एक दूसरे को इसके खिलाफ भड़काया जा रहा है मुफ्ती हजरात के लिए। अल्लाह की दया जी, बस ये दुआ, बहुत बड़ी मुहिम चल रही है ये। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله ہم سب کے ساتھ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب کی تمام خطاؤں کو لغزشوں کو غلطیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ ہماری ہر طرح کی حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تین اعمال کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے اللہ ان تینوں اعمال کے اوپر اہتمام کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ میں سب سنتوں کے اوپر عمل کرنا آسان فرما یا اللہ تلاوت قرآن پاک کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کتاب اللہ سے جڑنے والا بنا یا اللہ نماز کا اہتمام نصیب فرما یا اللہ اپنے راستے میں تمام چیزیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طیب میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین